एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं अपने स्किन के बारे में बात करूंगी। मुझे इतना क्लियर पिक्चर परफेक्ट एंड इतना खूबसूरत स्किन कैसे मिला? मैं अगर बताऊँ तो मेरे को स्किन प्रॉब्लम्स जो है ना, वो एक बार हम लोग घूमने गए थे यूमथम, जब मैं 7th ग्रेड में थी। उसके पहले तक मेरी स्किन अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो उसमें ना -4 डिग्री था वहाँ पे, तो वहाँ पे ना स्नोफॉल हो रहा था एंड मैंने कुछ भी स्किन क्रीम या कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। मतलब मैंने पॉन्स कोल्ड क्रीम लगाया था लेकिन दैट वॉज नॉट इफिशियंट, मतलब उस एनवायरनमेंट में जूझने के लिए। तो क्या हुआ था ना, उसमें मेरी जो स्किन है वो फट गई थी। जब स्नोफॉल हो रहा था ना तो मुझे जल रहा था एंड फिर बाद में मैंने देखा ऐसा राउंड सा मेरा लेफ्ट साइड में ना राउंड सा एक पैच हो गया था। ठीक है, तो वो पैच ना 7th ग्रेड से लेके वो बहुत दिन तक था। इनफैक्ट कभी भी मुझे अभी भी पिंपल अगर होता है ना तो उस जगह पे एक उस तरीके से कभी कभी हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है। मतलब दैट्स अ प्रोसेस, क्योंकि कभी कभी सन में ज़्यादा रहने से 2-3 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है। दैट्स लाइक सभी को थोड़ा बहुत डस्ट के लिए थोड़ा बहुत जब होता है वैसे ही। तो वो एक पैच जैसा हो गया था एंड वो बहुत सारे साल तक था। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक भी वो, अगर मैं कोई पिक्चर यहाँ पे शेयर करूँ ना, आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे मेरे ब्लैक स्पॉट जैसे स्किन में थे। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया ना, ऐसे ही मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत सारे, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या चूज़ करूँ, क्योंकि कोई भी फेस वॉश मेरे लिए सूट नहीं होता था। बचपन में ना हिमालय का जो नीम फेस वॉश है बहुत सूट होता था, लेकिन जैसे वो वैसा हुआ स्किन के साथ, उसके बाद अभी कुछ साल से मैं देख रही थी कि वो एकदम सूट नहीं हो रहा था, उल्टा मुझे और ज़्यादा पिंपल इश्यूज एंड स्किन प्रॉब्लम्स हो जा रहे थे। तो फिर मैंने वो फेस वॉश नहीं यूज़ कर पा रही थी, कोई भी फेस वॉश करने से डर रही थी कि उसको यूज़ कैसे करूँ। कुछ दिन कुछ सूट करता था, फिर नहीं करता था। फिर मैंने जस्ट नॉर्मल मतलब कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे कि चंदन, मुल्तानी, ये सब ट्राई किया। वो कुछ दिन सूट होते थे, फिर एक जैसा हो जाने के बाद प्रॉब्लम होता था, इन द सेंस ड्राई या फिर कुछ नहीं सूट हो रहा है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सूट नहीं हो रहा है, राइट? तो फिर मैं नॉर्मल जस्ट नीम बॉयल करके फेस वॉश करने लगी, लेकिन उसे तो क्लेंजिंग नहीं होता है ना प्रॉपरली। तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया मेरा स्किन टाइप क्या है। मैंने ये नोटिस किया कि मेरा जो स्किन है वो ज़्यादातर बहुत सेंसिटिव काइंड ऑफ रहता है। एंड मुझे किसी ने, मैं जब 12th ग्रेड में थी, एक दीदी ने मुझे बोला था कि अगर पिंपल होता है उसके ऊपर बोरोलिन लगाने से काम होता है, लेकिन मुझे लगा था वो काम नहीं करेगा। तो मैंने एक बार ना पिंपल के ऊपर बोरोलिन लगाने का ट्राई किया, मैंने देखा वो बहुत जल्दी हील हो जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छे से काम करता है, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने रात को सोते वक्त बोरोलिन लगाना स्टार्ट किया। उसके पहले मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था वेजलिन लगाने का, ठंडी के मौसम में वो भी सूट किया था। लेकिन क्या होता है, गर्मी के मौसम में आप वेजलिन लगा नहीं सकते दिन भर, एंड बोरोलिन भी सुबह लगाना मतलब थोड़ा वैसा है। तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया मेरा जो स्किन टाइप है वो थोड़ा सा बेबी सॉफ्ट जैसा है एंड सेंसिटिव भी है, एंड हार्श प्रोडक्ट्स मेरे को सूट नहीं होते हैं। तो फिर ये मुझे समझ में आ गया कि जॉनसन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे लिए सूटेबल है। तो आप में से किसी का भी अगर सेंसिटिव स्किन है ना, तो आप जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के लिए, स्पेशली क्रीम जो होता है या अगर सोप यूज़ होता है तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो बेबीज़ का जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है ना। आपका भी अगर वैसा है, एंड जब भी आप फेस को, मैं पहले क्या करती थी ना, ऐसे ही पूरा उसको रब करके कर लेती थी, लेकिन आप डैब डैब करके करोगे तो स्किन के जो टिश्यूज़ है वो अफेक्टेड नहीं होंगे आपके स्किन को ड्राई करने के टाइम पे। एंड अगर आपको कुछ हर्बल या आयुर्वेदिक चीज़ें सूट होते तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप बिल्कुल, मैं जो करती हूँ, मैंने जो देखा है कि मेरे लिए सूट हुआ है वो है आप बेबी सॉफ्ट कोई भी, मतलब मैंने जॉनसन्स का किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा करो, लेकिन बेबी सॉफ्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना सेंसिटिव स्किन के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके ऑयली या कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई स्किन है तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है? और मैंने एक वीडियो से सीखा था कि अगर आप अपने स्किन को, जैसे कि आप रोज़ एक ही जैसा खाना खाओगे तो आप बोर हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता
टेस्ट भी मतलब चाहिए होता है ना, वैरायटी अच्छा लगता है फिर तो। वैसे हमारे स्किन को या हेयर को या कोई भी बॉडी पार्ट को अगर आप कुछ भी चीज़ों से प्रोडक्ट से नरिश कर रहे हो, वो भी अगर सेम टाइप के यूज़ करोगे ना, तो उससे भी क्या होता है ना, स्किन जो होता है वो थोड़ा सा या फिर बॉडी जो होता है थोड़ा सा बोर हो जाता है, तो उसको भी अच्छे क्वालिटी के या सिमिलर टाइप के इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा 19-20 करके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बोरोलिन, बोरो प्लस, जॉनसन्स, ये सब थोड़ा सेम कैटेगरी में जाते हैं। और भी प्रोडक्ट्स हो सकता है, अगर आप में से किसी को भी नॉलेज है प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, मैं उसको भी ट्राई करना पसंद करूंगी। मैंने अपने हेयर वाले वीडियो में भी बताया कि मैंने अलग अलग तरीके के हेयर ऑयल्स ट्राई करके देखा कि हाँ वो सूट होता है। शैम्पूज में केमिकल वाले नहीं यूज़ कर पाती हूँ मुझे, लेकिन मैंने बायोटिक का नहीं किया क्योंकि पतंजलि इज इकोनॉमिकल एंड वो मुझे सूट भी हो जा रहा है, तो फिर मैं उसी पे कंसिस्टेंट रहना पसंद कर रही हूँ। एंड लेकिन जो हेयर को नरिशमेंट ऑयल से मिल रही है ना, शैम्पू इज़ फॉर जस्ट क्लीनिंग, तो आपको ऑयल से मिल रही है तो मैं उसमें वेरिएशंस ला रही हूँ। वैसे स्किन में अगर आप कर रहे हो, मैं बॉडी के लिए भी एक कुछ जॉय बोल के कोई एक आता है, मुझे वो मिला था, या फिर वेजलिन का या ऐसे ही कुछ बॉडी आपका लोशन रहता है उसको, क्योंकि जॉनसन्स का पहले जो बॉडी लोशन आता था वो एक तरीके का था, मतलब जो लोशन आता है, लेकिन उसका अभी मतलब कुछ साल से लोशन थोड़ा सा अजीब हो गया है, मतलब लगाने के बाद थोड़ा अजीब लगता है, नेचुरल फील नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा क्रीम तो अभी भी सेम ही है तो वो ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने स्किन को भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया था, मेरे को पहले कोई एक जो प्रोडक्ट था वो सूट हो रहा था, लेकिन कुछ महीने के बाद, मतलब 1-2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद वो शायद और सूट नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक ही खाना खाते खाते जैसे हम बोर हो जाते हैं, वैसे स्किन को भी थोड़ा न्यूट्रिशन के मामले में या फिर नरिशमेंट के मामले में थोड़ा वेरिएशंस देने से भी स्किन को सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं। मैंने ये वीडियो से सीखा, मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। मैं नाम भी मैंशन कर देती हूँ, जो शंभवी राज दी है उनका मैं वीडियोज़ थोड़ा फॉलो करती हूँ, वो वैराइटी चीज़ों के ऊपर भी बोलती है, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए भी अच्छे से काम किया है। एंड मैंने देखा मेरे स्किन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा एक पिंपल दिख रहा होगा, अदरवाइज मेरा स्किन बहुत ज्यादा क्लियर है। पहले जब मैं करती थी तो फिर मैं इतना सामने कैमरा के आने से भी सोचती थी मैं कैसे आऊं, मेरे पुराने कुछ पिक्चर्स होंगे तो मैं उसको लगा दूंगी, आप देख सकेंगे उसमें ना आपको ब्लैक स्पॉट्स भी दिखेंगे, पिछले साल के भी है, इस साल के एकदम बिगिनिंग में भी थोड़ा सा वैसा था, लेकिन मैंने उस चीज़ को रिकवर कर लिया। उसके अलावा आपको, ये तो प्रोडक्ट्स का बात हो गया, इसके अलावा आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना चाहिए। जो भी खाना आपको सूट नहीं होते, जैसे मुझे तीखा खाने से प्रॉब्लम होता है या फिर टाइम पे नहीं खाने से भी मुझे पिंपल्स हो जाता है या फिर पूरा बदन जलने लगता है, अजीब सा एक जलन जैसा फील होता है ना, तो फिर उस चीज़ को आप मेंटेन करो, हाइजीन को मेंटेन करो, टाइम से प्रॉपर हेल्दी डाइट लो, एंड वाटर जो है उसका क्वांटिटी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ मेरे लिए बहुत काम किया है कि आप क्वांटिटी 4-5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे आपको मेंटेन करना है, ज़्यादा हो तो अच्छा है, कम नहीं करो, उससे आपका ओवरऑल बॉडी कंडीशन ही अच्छा रहता है, स्किन तो उसका ही पार्ट है वो भी अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें एंड अपना प्रॉपर रेस्ट, रेस्ट जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे, स्किन, हेयर, बॉडी, सब कुछ रेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रात को आपको टाइम पे नहीं भी सो पाते हो लेकिन आपका ओवरऑल जो नींद का ड्यूरेशन है 6-7 आवर्स आपको मिनिमम फिनिश करना, मतलब उसको कवर करना ही है, तो ये सारे चीज़ पॉइंट कवर करने से हमारे स्किन, हेयर, सब कुछ मेंटेन रहता है, ये स्किन के ऊपर मेनली है। तो आप अपने स्किन को इस तरीके से बहुत खूबसूरत एंड अच्छा रख सकते हो। एंड जब भी आप अपने कोई भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करो या फिर पानी को पियो या खाने को खाओ, तो उस टाइम पे अगर आपको स्किन के ऊपर फोकस करना है तो ये सोच के करो कि मेरी स्किन अच्छी है, एंड अपने अंदर एक बिलीव रखो, अगर आप किसी भी भगवान पे मानते हो तो उनको भी थोड़ा प्रेयर करो और ग्रैटिट्यूड दिखाओ, ग्रेटफुल बनो कि भगवान मेरे पास स्किन तो है, बहुत सारे लोगों के पास ठीक ठाक मतलब स्किन ही नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उनके शरीर में, लेकिन मेरे पास स्किन तो है, उस चीज़ का आप ग्रेटफुल होते रहो, तो जो भी चीज़ आपके पास है और ज़्यादा वो बढ़ती चली जाएगी। आप प्रेयर्स अगर करते हो तो उस टाइम पे अपने बॉडी के लिए, अपने हेयर, अपने स्किन, अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमेशा धन्यवाद करो कि ये सारी चीज़ें मेरे पास है, थैंक यू सो मच, वो और बढ़ती चली जाएगी। एंड स्पेशली पानी पीते वक्त आप उस चीज़ को सोच के अगर पियोगे तो वो पानी आपके हीलिंग के का भी काम करेगा, अंदर से टॉक्सिन्स निकालता है, तो आप उस पानी को थैंक यू बोल के उसको पी सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। ये सारे पॉइंट्स को मेंटेन करने से हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।